टाइगर श्रॉफ की गणपत मूवी को रिलीज कर दिया गया है, जो एक ऐसी मास्टरपीस मूवी है जिसको देखने के बाद आपको गूजबम्स आने लगेंगे और आपके पूरे शरीर में कंपन होने लगेगा और हो सकता है कि मिर्गी का शिकार भी हो जाओ। मतलब मूवी के कुछ सीन ऐसे भी है ना जिसको देखकर आप खून की उल्टियां कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको जहर वाला खीर खाने की जरूरत नहीं है। मतलब क्या डिस्टोपियन फ्यूचर दिखाया गया है इस मूवी में हम सभी को, ये होता है एक असली डिस्टोपियन फ्यूचर। और इस फ्यूचर को देखने के लिए आपको ये मूवी पूरा देखना होगा। और मैं तो ये कहूंगा कि गणपत इंडिया की पहली डिस्टोपियन मूवी है, इसीलिए हम सभी को मिलकर ये मूवी को देखना चाहिए ताकि ये मूवी को सपोर्ट मिल सके। ये मूवी इतना सुपर डुपर हिट हो जाए कि इस जैसे दूसरी मूवी कभी बने ही नहीं, और इतिहास के पन्नों में इस मूवी का नाम को गोबर से लिखा जाए कि इंडिया में पहले ऐसी भी कोई मूवी बनी थी जिसमें हमारे फ्यूचर को पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया गया था। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चले बढ़ते हैं इस मूवी के स्टोरी के ऊपर कि आखिर मूवी का स्टोरी क्या है और मूवी में हमें क्या देखने को मिला है। तो मूवी में ऐसा दिखाया गया है कि फ्यूचर में एकदम वॉर चल रहा है जिस वजह से सारी दुनिया तबाह हो गई है और आधी से ज्यादा पॉपुलेशन मर गई है, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि बच गए हैं और उन्होंने इस दुनिया का दो पार्ट कर दिया है, जिसमें पहला पार्ट वो है जिसमें गरीब लोग रहते हैं, वहीं पे दूसरा पार्ट अमीरों का है जहां पे सिर्फ एलीट क्लास के लोग रहते हैं और वो लोग गरीबों पर जुल्म करते हैं और उनको सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यूज करते हैं, जहां पर गरीबों के लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं है और वो लोग भूख से मर रहे हैं। वो बात अलग है कि टाइगर श्रॉफ अपना मोमो खा रहा है उस समय में भी, और खा रहा है अलग से लेकिन उसका बिल भी नहीं दे रहा है। हम जो कहानी भी आगे बढ़ते हैं तो गरीब लोगों का एक सेनापति होता है जिसका कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं अपने अमिताभ बच्चन। अब उनका ये भविष्यवाणी होता है कि फ्यूचर में एक गणपत नाम का आदमी आएगा जो इन सभी गरीबों की मदद करेगा और ये अमीर गरीब वाला फासला हटा देगा। अब हम सब जानते हैं कि वो कौन है, वो है अपने टाइगर श्रॉफ, जिनका मूवी में नाम तो गुड्डू है लेकिन बाद में वो गणपत बन जाता है। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आता है कि टाइगर श्रॉफ इतना मस्त बंदा है लेकिन वो अपने फिल्मों में ऐसे नाम क्यों रखता है, गुड्डू, बबलू, बंटी। उसकी पर्सनैलिटी देखकर तो नहीं लगता कि इसका नाम गुड्डू हो सकता है, और ऊपर से ये नाम फ्यूचर में रखा जा रहा है। अब अपना गुड्डू भैया फ्यूचर में काफी अय्याश किस्म का लड़का होता है जिसको फिल्म के स्टार्टिंग में ही ऐसा दिखाया गया है कि वो 13 लड़कियों के साथ सो रहा है। और हाँ, इसको अपने माँ बाप के बारे में नहीं पता होता है कि वो कौन है। इस मूवी का मेन विलन जो होता है वो इसको गोद लिया रहता है, या फिर आप ये कह सकते हो कि वो इसको बचपन में किडनैप कर लेता है। अब भाई साहब, इस मूवी का जो विलन होता है ना वो भी काफी एंटिक होता है। मतलब वो दिखता अंग्रेज जैसा है मगर बोल नहीं पाता है, बंदे को बोलने वाला चिप भी लगा हुआ है तो गर्दन के पीछे लगा हुआ है, और किस लमचूस आदमी ने इस आदमी का डब किया है भाई। मतलब इतना गंदा डबिंग है ना वो, इसको सुनने के बाद मैंने कान में अपना 2 लीटर पेट्रोल डाला है। हाँ, तो गुड्डू भैया को किसी कारण की वजह से गरीबों के शहर में जाना पड़ता है। अब वो जैसे वहाँ जाता है उसको कीर्ति सैनन से प्यार हो जाता है, मतलब मिलने के साथ ही। अब देखो, इस पूरे मूवी में मुझे कीर्ति सैनन का कैरेक्टर काफी पसंद आया, मतलब उनकी इस मूवी में एक्टिंग काफी डिसेंट थी और उनका जो मूवी में फाइट सीक्वेंस दिखाया गया वो भी काफी अच्छा था। हाँ, बाद में जाकर उन्होंने भी ओवर एक्टिंग किया है जिसका मैं 50 रुपए काटूंगा बाद में। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस मूवी में जो सबसे कम खराब चीज थी ना वो कीर्ति सैनन थी, जिनको देख कर आपको एटलीस्ट गुस्सा तो नहीं आएगा। अब क्योंकि गुड्डू भैया को प्यार हो गया है कीर्ति सैनन से, तो उनको पाने के लिए मार्शल आर्ट सीखता है, इसीलिए हमें गुड्डू भैया का ट्रेनिंग पीरियड दिखाया गया है जिसमें वो मार्शल आर्ट सीखते हैं। अब होता क्या है कि भैया ने फुल बॉडी बनाया हुआ है, भैया को एकदम 14 पैक्स आए हुए हैं, लेकिन भैया मूवी में डू पुशअप नहीं कर पा रहे हैं यार। शायद उस दिन भैया का पेट खराब होगा इसलिए उनसे पुशअप नहीं मरा रहा था। अब चलो, इससे यार मैं आपको मूवी की स्टोरी नहीं बताऊंगा यार, जरा आप भी जानो कि असली सिनेमा क्या होता है और आपको किस तरह की मूवी देखना चाहिए। हाँ, मूवी में एक ट्विस्ट भी है, चलो मैं आपको बता ही देता हूँ कि इस मूवी में टाइगर श्रॉफ का डबल रोल है और जो दूसरा वाला टाइगर श्रॉफ है वही इस मूवी का मेन विलन होने वाला है। और वो बंदा दिखने में इतना हैंडसम लगता है ना, मतलब उसके दोनों आंखें नहीं है जिसको देख कर आप एकदम पागल हो जाओगे, लेकिन उसको मूवी में पूरे अच्छे से नहीं दिखाया गया है क्योंकि वो सेकंड पार्ट का मेन विलन होने वाला है ना, और उसे टाइगर श्रॉफ सेकंड पार्ट में लड़ेंगे। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि इस मूवी में टाइगर श्रॉफ को एक वर्जन को देख कर इतना मजा आया हम सभी को, सोचो टाइगर श्रॉफ का डबल रोल देख कर हम एकदम पागल ही हो जाएंगे और हम सभी को अपने आंख में तेजाब डालना होगा ताकि उस तरह का चीज देखने के बाद हम कोई चीज देख ही नहीं पाए। मैं सच बता रहा हूँ, मैं इस मूवी के सेकंड पार्ट के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं चाहता हूँ कि चाहे सेकंड पार्ट भी बने। मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर वो कैसे मूवी बनाएंगे और क्या उनके पास इतना हिम्मत है कि इस मूवी को देखने के बाद भी वो दूसरा मूवी बना रहे हैं। इसीलिए मैं तो ये कहूंगा कि छोड़ो लियो मूवी को, गणपत मूवी को देखो और रियल सिनेमा को जानो। इसी के साथ मैंने लियो मूवी के ऊपर भी बात किया है, तो अगर आपने मेरी वो वाला वीडियो नहीं देखा तो आप उस वीडियो को जाकर जरूर चेक करना, वो वीडियो स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, आप उस पर टैप करके वो वीडियो को देख सकते हो। इसके अलावा आपको वीडियो में कुछ भी बताया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।